गाइस आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम अपनी सैंड को जोन वाइज कैसे डिफाइन करते हैं और कौन सी जोन की कौन सी सैंड है, हम ये कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले हमें एक सीव एनालिसिस का ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करने के बाद हमें जो परसेंटेज पासिंग रिटेन होगा 600 माइक्रोन पे, हम वो वैल्यूज को लेंगे। दैट इज हमारा एक एग्जाम्पल हमने किया है, दैट इज 43.6 वैल्यू आ रही है परसेंटेज ऑफ पासिंग की। अभी हमारा जोन वन, जोन टू, जोन थ्री में लाई हो रहा है। दैट इज हम डिटेक्ट करेंगे कौन सी जोन में लाई हो रहा है। ये हमारा जोन टू में लाई हो रहा है और हमारा ये सैंड है जोन सा है जोन टू को डिफाइन करता है। और हम बेसिकली दूसरी सीव्स की क्यों जोन नहीं लेते, क्योंकि जो रीडिंग्स दूसरी आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपस में ओवरलैप हो रही हैं। एंड जो 600 माइक्रोन पे जो जोन्स की वैल्यू है वो सब डिफरेंट डिफरेंट है। बेसिकली हमारा एक यही मेन सिंपल रीजन है हमें जोन डिफाइन करने का। थैंक यू।